हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल लॉ डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीआरपीसी में जो है कि कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था और आज इसके आगे चलते हैं। सीआरपीसी की जो कुछ सेक्शन है आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज सेक्शन एक और सेक्शन दो को समझेंगे कि सेक्शन एक और सेक्शन दो कहता क्या है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि इसको जो है कि सर सेक्शन के माध्यम से जो है पढ़ाइए और वो भी बेयर एक्ट के लैंग्वेज में। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज में पढ़ाएँ और उतना ही पढ़ेंगे हम लोग कि जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना चाहिए कि कितना पढ़ा जाना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं और सेक्शन एक को जो है कि पढ़ते हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसकी जो धारा एक कहता है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। तो इसमें कहता है कि यह अधिनियम इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाएगा। अर्थात यह बताता है कि यह जो है अधिनियम है वो सीआरपीसी या द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 है। उसके बाद इसमें कहता है कि इस संहिता के अध्याय के 8 और 10 और 11 से संबंधित उपबंधों से भिन्न उपबंध नागालैंड राज्य को और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि जो सीआरपीसी की अध्याय 8, 10 और 11 हैं उनसे जो भिन्न उपबंध हैं वे जो है उपबंध नागालैंड और जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि अध्याय 8, 10 और 11 जो है ये हर जगह लागू होंगे और उसके बाद जो उससे भिन्न उपबंध है वो जो है कि नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों को नहीं लागू होंगे। फिर इसके बाद इसमें कहता है कि किंतु संबंध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे उपबंधों या उनमें से किसी को यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य को या ऐसे जनजातीय क्षेत्र को अथवा उसके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक आनुषंगिक या परिणामिक उपरांतों सहित लागू कर सकती है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन एक में जो दिया गया है कि 8, 10 और 11 से भिन्न जो उपबंध है वो जो है कि नागालैंड और जनजाति क्षेत्र को नहीं लागू होंगे, किंतु जो राज्य सरकार अगर चाहे तो वहाँ अधिसूचना द्वारा जो है नोटिस जारी करके वहाँ भी लागू कर सकती है। और उसमें ये इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि यह जो है कि प्रवृत्त कब हुआ या इन्फोर्स कब हुआ। तो यह बताता है कि जो है कि यह जो है 1 अप्रैल 1974 को जो है यह इन्फोर्स हुआ था। अब हम सेक्शन दो को समझेंगे। सेक्शन दो जो है कि वो हर चीज़ को जो है डिफाइन किया हुआ है कि जैसे ऑफेंस को डिफाइन किया हुआ है, पुलिस रिपोर्ट को डिफाइन किया हुआ है, या फिर जो है कि आरोप या चार्ज को डिफाइन किया हुआ है। तो इसको जो है कि आज हम इसके पूरे डिफिनेशन को जो है कवर करते हैं। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे चला जाएगा। तो सेक्शन दो को जो है समझने से पहले सबसे पहले हम जो है अपराध को समझेंगे, क्योंकि जब सीआरपीसी या आईपीसी की जब भी बात होती है तो सबसे पहले जो है कोई शब्द आता है तो वो होता है अपराध, कि अपराध क्या है। तो अपराध को जो है कि सीआरपीसी में 2N में जो है डिफाइन किया गया है और आईपीसी में 40 में सेक्शन 40 में जो है डिफाइन किया गया है। तो अगर सेक्शन 40 की बात किया जाए तो उसमें कुछ सेक्शन है जो कि उसको जो है बताता है कि ये सेक्शन जो है वो जो है कि अपराध की कोटी में आएगा। ये हम 2N में जो है अपराध को समझते हैं कि अपराध है क्या। तो 2N जो बताता है वो ये कहता है कि अपराध से ऐसा कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बता दिया गया है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। इसे कहने का मतलब है कोई भी ऐसा कार्य, चाहे वो कार्य हो चाहे या वो लोप हो, ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य या लोप जो कि किसी विधि द्वारा दंडनीय है। मतलब अगर कोई भी आप ऐसा कार्य करते हैं जो विधि द्वारा दंडनीय है
तो वो जो है कि आपका अपराध माना जाएगा। जैसे किसी विधि का अगर आप उल्लंघन करके कोई कार्य करते हैं तो उसको जो है कि सीआरपीसी जो है बताता है कि यह जो है अपराध माना जाएगा। दूसरा इसका कहता है कि यह कोई पशु अतिचार अधिनियम है, कोई पशु अतिचार अधिनियम 1871 जो है कि उसमें धारा जो 20 है उसके अधीन अगर कोई कंप्लेंट जारी करता है तो वो जो है अपराध करता है, सीआरपीसी ये कहता है। और कंप्लेंट क्या है इसको हम आगे जो है समझते हैं। तो अपराध को थोड़ा सा और हम डिफाइन करते हैं कि अपराध है क्या। तो अपराध को अगर देखा जाए तो ये चार स्टेज में हो सकता है। सबसे पहले ये होता है इंटेंशन, जिसे आशय कहते हैं, क्योंकि अपराध का पहला चरण जो होता है वो इंटेंशन से ही स्टार्ट होता है। अगर आप जो है कि आशय जो है कि करते हैं या मन में कोई आशय रखते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को मारना है या किसी कोई कार्य करना है जो विधि द्वारा दंडनीय है, तो ये अपराध का पहला चरण होता है। आप जो है अपराध के पहले चरण में प्रवेश करते हैं। और इसका दूसरा चरण है जो तैयारी, जैसे आप किसी कार्य को सोचें कि हम जो है कि किसी की हत्या करेंगे, ठीक है, जो ये आपकी सोच है ये पहली जो है कि चरण है। और दूसरी जो तैयारी करते हैं, जैसे आप जो है कि किसी पिस्टल या किसी और चीज़ को जो है किसी ऐसे हथियार को जो है इकट्ठा करते हैं कि जिस हथियार से आप जो है उस व्यक्ति की हत्या करने वाले हैं, तो वो जो होता है दूसरा स्टेज होता है। और तीसरा होता है प्रयत्न, जैसे आप किसी कार्य को जैसे ही आप प्रयत्न करते हैं, जैसे ही आप जैसे उस हत्या को जो है कि अंजाम देने के लिए उस व्यक्ति को मारने के लिए जैसे ही उसको आप आगे बढ़ते हैं उसको मारने जाते हैं, वैसे ही वो तीसरा स्टेज होता है, तीसरा चरण होता है। और चौथा चरण होता है जब आप उसको मार दिए, चौथा चरण ये होता है जब आप उसको मार दिए, जब आप उसको मार देते हैं हत्या कर देते हैं, तो ये होता है अपराध के चार चरण होते हैं। तो पहला होता है इंटेंशन, दूसरा होता है प्रिपरेशन, तीसरा होता है अटेम्प्ट, चौथा होता है कमीशन, मतलब कार्य का पूर्ण होना। और इसके जो है इसके चार आवश्यक तत्व हैं। पहला है जो है ह्यूमन बीइंग, मानव की उपस्थिति। जैसे अगर कोई भी कार्य आप कोई भी अपराध करते हैं तो उसको जो है कि अपराध कब होगी, जब कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि जो अपराध होता है हमेशा जो है कि कोई व्यक्ति करता है, ठीक है। और इसके लिए अगर कोई अपराध जैसे कोई जानवर या कोई पशु ये कोई अपराध नहीं करते, इनका अपराध नहीं माना जाता है, अपराध हमेशा जो है मनुष्य ही करता है, ठीक है। तो पहला इसका जो आवश्यक तत्व है यह है जो है कि ह्यूमन बीइंग। दूसरा आवश्यक तत्व है मेंस रिया, जिसे दुराशय कहते हैं। अगर आप जो है कि मेंस रिया रखते हैं, अगर आप इंटेंशन जो है गलत रखते हैं कि अगले व्यक्ति की मृत्यु ही करनी है, तो ये जो है आपका जो है मेंस रिया हुआ, ये जो है आपका दुराशय होगा। और इसका जो तीसरा आवश्यक तत्व है वो होता है आपराधिक कृत्य, कोई आपराधिक कार्य जो है कि अगर आप करने जाते हैं तो ये होता है जो है कि आपराधिक कृत्य होता है। और चौथा इसमें कहते हैं कि अगर जिस व्यक्ति को आपने आपराधिक कृत्य किया है या कोई कार्य किया है जो कि अपराध है, उससे उस व्यक्ति को क्षति हो जाए, जैसे आप किसी को मारने गए उसको मार दिया जो है कि उसका हाथ कट गया या उसको चोट आ गई, तो ये जो है कि उससे कोई इंजरी हो जाए, तो वो होता है चौथा आवश्यक तत्व। तो अगर इंजरी की बात की जाए तो किसी भी व्यक्ति को जो है कि चार प्रकार से इंजरी हो सकती है। पहला जो कि सेक्शन 44 आईपीसी की जो धारा 44 है उसमें जो है बताया गया है। तो जो इंजरी है वो चार प्रकार से हो सकती है, वो किसी व्यक्ति के मन की जो है कि क्षति हो सकती है, या उसके शरीर की क्षति हो सकती है, या उसकी संपत्ति की क्षति हो सकती है, या उसके रेपुटेशन यानी ख्याति की जो है शरीर क्षति हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम सीआरपीसी की जो सेक्शन 2 है उस पर अगर हम अपराध की बात करें, तो अपराध जो है कि उसमें जो सीआरपीसी सेक्शन 2 में दिया गया है, तो उसमें अपराध जो है कि दो प्रकार का है। एक है जो है जमानती और अजमानती अपराध, दूसरा है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। तो सबसे पहले हम जो है कि संज्ञेय अपराध जमानती अपराध से स्टार्ट करते हैं कि जमानती अपराध है क्या। तो अब सीआरपीसी की जो सेक्शन 2 का ए है वो बताता है जमानती अपराध के बारे में। तो इसमें जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज ये कहता है कि जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय जमानत के जमानतीय के रूप में दिखाया गया है और
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है, और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। तो अगर जमानती अपराध की बात किया जाए तो इसमें जो पहली शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची, उसमें जो है कि कुछ सेक्शन बताए गए हैं कि कौन से सेक्शन जो है कि आईपीसी का कौन सी धारा जो है वो जमानती है और कौन सी धारा जो है अजमानती है। तो उसमें जो बताया गया है कौन सी धारा जमानती है, वही जो है कि वो बताता है कि वही धारा जमानती होगी, और अजमानती अपराध से जो है कि कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। ये भी जो है कि आपको अगर प्रथम अनुसूची पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें जो है कि मिल जाएगा, हम लोग देख लेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2B जो कि चार्ज को बताता है। तो आरोप है कि आप इसके बारे में समझते हैं, तो इसमें कहता है कि आरोप के अंतर्गत जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तब आरोप का कोई भी शीर्ष है। इसमें कहता है कि आरोप का एक से अधिक शीर्ष हो तब आरोप का कोई भी शीर्ष जो है वो आरोप होगा। इसमें देखा जाए तो आरोप को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम बताएं तो इसमें है क्या कि जैसे किसी व्यक्ति पर आरोप लगा है या किसी अपराध के संबंध में जो है किसी व्यक्ति पर कोई अभियोग लगा है तो वो आरोप होता है। जैसे हम कहें कि आपने जो है हत्या किए हैं, आप हत्या किए हैं, मतलब जो आप हत्या किए हैं ये जो शब्द है ये आपके ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं, जो हम अभियोग लगा रहे हैं कि ये जो है आपने आरोप आपके ऊपर आरोप है कि आपने हत्या किया है, ठीक है, ये आरोप इस टाइप से कुछ परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो है कि परिभाषित नहीं किया गया है। सेक्शन 2C जो कि कॉग्निजिबल ऑफेंस को बताता है कि संज्ञेय अपराध है क्या, तो इसमें कहता है ऐसा संज्ञेय मामला जिसमें जो है कि पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले। इसमें कहने का मतलब इसके ये है कि अगर कोई ऐसा मामला है या इतना गंभीर मामला है, इतना संज्ञेय मामला है जिसमें पुलिस अधिकारी जो है आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर ले, तो यह जो है कि संज्ञेय अपराध होगा। और असंज्ञेय अपराध जो है कि 2L में डिफाइन किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसा अपराध जो है या कोई ऐसा असंज्ञेय मामला जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट का गिरफ्तार करने का जो है प्राधिकार नहीं होता है, वह जो है कि असंज्ञेय मामला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो ये दिया हुआ है। अब हम 2D को जो है कि समझते हैं कि 2D है क्या, कंप्लेन जो होता है। तो कंप्लेन देखा जाए तो एक इल्ज़ाम टाइप का होता है कि एक ऐसा इल्ज़ाम होता है। तो पहले हम बेयर एक्ट की लाइन जो है कि समझते हैं कि बेयर एक्ट का लैंग्वेज कहता क्या है। तो इसमें कहता है कि परिवाद इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित कथन के रूप में किया गया अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है, उस किंतु इसके अंतर्गत जो है पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। इसमें कहा गया है कि जैसे मजिस्ट्रेट के सामने हम जाके जब कहते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है कि एक व्यक्ति हैं जो कि अपराध किए हैं किंतु इसके बारे में जो है हमें जानकारी नहीं है कि वो अपराध कौन किया है, उस व्यक्ति के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो जो मजिस्ट्रेट के पास हम जाके जो कंप्लेन करते हैं या जो बात अपनी रखते हैं कि साहब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, जो इस बात को रखते हैं वो हमारा कंप्लेन होता है। तो इसमें पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। इसमें कहता है कि जो सेक्शन 173(2) में जो पुलिस रिपोर्ट है वो जो है कि पुलिस रिपोर्ट नहीं आती। फिर इसका एक एक्सप्लानेशन है। एक्सप्लानेशन ये बताता है कि ऐसे संज्ञेय मामले में जो अन्वेषण के पश्चात किसी असंज्ञेय मामले का जो है किया जाना प्रकट करता है, पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएंगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट की गई है परिवाद ही समझा जाएगा। इसमें कहा गया है कि जब कोई अपराध होता है तो सबसे पहले जो है पुलिस अधिकारी जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है उस इन्वेस्टिगेशन में अगर मैटर जो है कि नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ, अर्थात उसे लगा कि यह जो है कि ऐसा मैटर है जिसमें पुलिस अधिकारी जो है बिना वारंट के जो है कि गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं है, तो जब उस टाइम जो है जब पुलिस जो है मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट देती है तो वह रिपोर्ट जो होता है वह परिवाद कहा जाता है, या वह रिपोर्ट अगर अंग्रेजी भाषा में कहें तो वह उसे कंप्लेंट कहते हैं, कंप्लेंट, और वो जो पुलिस अधिकारी होता है वो कंप्लेनेंट अर्थात परिवादी कहा जाता है। तो इसमें यह दिया हुआ है। और इसमें जो है कि
2F की बात किया जाए तो 2F में जो है कि इंडिया को डिफाइन किया गया है, जो कि IPC की जो सेक्शन 18 है उसमें जो है दिया हुआ है, उसमें भी कि IPC की जो सेक्शन 18 है वो भी बताता है कि जो है इंडिया क्या है, और ये भी जो है बताता है कि इंडिया क्या है। तो दोनों हम मर्ज भी कर दिए ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो कि IPC में कहाँ है या CRPC में कहाँ है। अब हम बात करते हैं इंक्वायरी की, जो कि 2G में डिफाइन किया गया है। तो 2G अगर हम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दो चीज़ होती है और दोनों होते हैं 2G, एक होता है 2G और एक होता है 2H। तो अगर हम इसको याद करें तो इसको कहा जा सकता है कि 2GH में जो है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोनों को बताया गया है। तो सबसे पहले हम जो है कि इंक्वायरी पढ़ते हैं कि इंक्वायरी क्या है। तो इसमें कहा गया है कि जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसी प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। तो इसमें कहता है कि कोई भी ऐसी जांच जो CRPC के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है वह जांच होती है। इसमें कहा गया है कि विचारण से भिन्न, इसके अंतर्गत विचारण नहीं आता है, या अगर कहें कि अगर हम कहें कि जांच में जो है इंक्वायरी में ट्रायल नहीं आता है, अगर मजिस्ट्रेट कोई ट्रायल कर रहा है या ट्रायल ले रहा है तो उस ट्रायल के दौरान जो है अगर जो भी बातें होंगी वो जो है आपका जो है कि जांच इंक्वायरी नहीं होगी, ठीक है। ये जो है कि विचारण से पहले की प्रक्रिया है तो इसमें ये कहा गया है। और इन्वेस्टिगेशन को जो है कि यहाँ पे अगर डिफाइन करें तो इन्वेस्टिगेशन कहता है कि इसके इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत वे सब कार्रवाइयाँ हैं जो इस संहिता के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट द्वारा निमित्त प्राधिकृत किया गया है साक्ष्य को एकत्र करने के लिए किया जाए। इसमें कहता है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे मजिस्ट्रेट जो है कि नियुक्त किया हो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे पुलिस मजिस्ट्रेट जो है नियुक्त किया गया हो, अगर कोई साक्ष्य एकत्र करने के प्रयोजन से कोई कार्रवाई कर रहा है तो वह अन्वेषण करता है या इन्वेस्टिगेशन करता है। याद रखिएगा जो है कि इन्वेस्टिगेशन जो है हमेशा मजिस्ट्रेट नहीं करता है, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट द्वारा कोई व्यक्ति अगर कोई नियुक्त व्यक्ति होता है वो करता है या तो पुलिस अधिकारी करता है, और जो जांच होता है वो हमेशा मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है। जांच कभी जो है कि पुलिस अधिकारी नहीं करता है और इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण कभी जो है मजिस्ट्रेट नहीं करता है। ये दोनों के जो है पावर अलग अलग है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम इसके आगे जो भी सब क्लॉज है उनको डिफाइन करेंगे। तो हमारा आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको जो है और देखने के लिए मिलता रहे। बाय बाय।